ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए मुकाबले में अब भारत की अलग अलग कमजोरियां सामने आ चुकी हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की भी कमजोरी थोड़ी बहुत सामने आई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं किया, खास करके पहले पारी में। स्पिनर गेंदबाजों पर भरोसा दिखाना जरूरी भी था, लेकिन अगर बीच में तेज गेंदबाजी लगाई जाती तो शायद मौका बन सकता था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने का गलती भी बहुत बड़े तरीके से भारत ने कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्रकार से नागपुर और दिल्ली टेस्ट मैच हारा, वहां पर देखा जाए तो भारतीय टीम ने वापस आते हुए पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं एक तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के इरादे के साथ मजबूत प्रदर्शन करना था, लेकिन देखा जाए तो भारतीय टीम ने उस प्रकार का मजबूत प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय टीम ने काफ़ी हल्के में लेते हुए ना बल्लेबाजी सही तरीके से की ना गेंदबाजी। आप देखेंगे जो उम्मीद थी हमें कि अगर भारत इतने जल्दी 109 रनों पर निपट गया, लगातार शायद भारत के गेंदबाज भी स्पिन गेंदबाज भी वही कहर ढाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को भी पूरी तरीके से परेशान करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस पिच पर और भी बेहतर बैटिंग कर दिखाई। उस्मान ख्वाजा आप देखेंगे 147 गेंदों में 60 रन की पारी लगाते नजर आया, इस मैच के हाई स्कोरर हैं, और ये कहीं ना कहीं बता देता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मुकाबलों में हुई हार के बाद काफ़ी सोच विचार किया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के इरादे के साथ तैयारियाँ की हैं। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में, डेविड वार्नर की गैरमौजूदगी में मुकाबला जीतकर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया है। 4 में से 3 मैच अब खेल लिए गए हैं, 2-1 से भारतीय टीम आगे चल रही है, और कुछ इस प्रकार से फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल नजर आता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 का स्थान अभी भी अपने लिए बनाई हुई है। और भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन ये मैच अगर भारतीय टीम जीतती तो नंबर 1 के स्थान पर चली जा सकती थी। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे हैं 68% के साथ, और 60% के विनिंग परसेंटेज के साथ भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर आप देखेंगे आखिरी जो टेस्ट मैच अहमदाबाद का बचा हुआ है, वहाँ भारतीय टीम अगर जीतती है तो अभी भी भारत को आगे जाने का मौका होगा, लेकिन सीरीज ड्रॉ की तरफ भी बढ़ सकती है, इसका भी यहाँ पर एक समीकरण बनता नजर आ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए 3 मुकाबलों में अब ऑस्ट्रेलिया ने जो वापसी कर दिखाई है, अहमदाबाद टेस्ट मैच इसी कारण बहुत ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। 9 तारीख से अहमदाबाद टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, लगातार हम आपके साथ लाइव स्कोर लाइव कमेंट्री का कार्यक्रम लेकर जुड़ते रहने वाले हैं। उसके बाद 3 मैचों की वनडे श्रृंखला भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले सूचना आ जाती है लाइव मैच शुरू होते ही पहली गेंद के साथ। आप हमारे साथ हर सेशन में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आज के दिन पर जो निराशा हाथ लगी है भारत के, उम्मीद करते हैं उससे उभर कर भारतीय टीम वापस आएगी, बड़े तरीके से प्रदर्शन कर दिखाएगी। अहमदाबाद टेस्ट मैच अपने नाम करते हैं तो श्रृंखला अपने नाम कर जाएंगे। अगर अहमदाबाद टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो भी भारतीय टीम ही श्रृंखला जीतेगी, लेकिन अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच जीतता है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए इस इंदौर टेस्ट मैच में टॉस जीती हुई टीम हार गई है। पिछले 2 टेस्ट मैच से पैट कमिंस टॉस जीत रहे थे, अपने मनचाहे तरीके से वो पहले बैटिंग करना चाह रहे थे, और लगातार देखा जाए वो दोनों टेस्ट मैच हारे, और इस बार मनचाहे तरीके से रोहित शर्मा ने जब बैटिंग करनी चाहिए, अंत में नतीजा इस प्रकार का आया है, जहां पर भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। और इस हार का कारण अब देखना है रोहित शर्मा किस प्रकार से अब देखा जाए एक्सप्लेन कर पाएंगे, किस प्रकार से यहां पर अपने इस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे कि क्या कुछ कमी रह गई, कहां पर गलतियां हुई, और किन गलतियों से उन्हें सीखने की आवश्यकता है, उनकी टीम को सीखने की आवश्यकता है, जिसकी मदद से शायद अहमदाबाद टेस्ट मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दिया जा पाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया यह इंदौर टेस्ट मैच भारत के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ था। इंदौर टेस्ट मैच के शुरुआती दिन पर भारत ने बैटिंग चुनी रोहित शर्मा, इस पिच को आंकलन करते हुए ये मान रहे थे कि पिच पहले दिन पर काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, भले ही इस पिच पर काफ़ी घुमा होगा, लेकिन पहले दिन के पहले सेशन की पिच ऐसा नजर आई कि मानो आप 5वें दिन पर खेल रहे हो। 5वें दिन की पिच की तरह मेल खाती हुई कंडीशंस थी, जहां पर गेंद घूम रही थी, उछाल छोड़ रही थी। नतीजा ये है, आप देखेंगे पहली पारी में भारत ने 109 रन लगाए, 22 रन विराट कोहली ने लगाए। आश्चर्य की बात ये थी कि एक ही खिलाड़ी केवल 50 गेंदें कम से कम खेल पाया, सारे खिलाड़ी उससे कम गेंदों पर, उससे कम रनों पर आउट हुए। विराट कोहली के 22 रन 109 रनों में, और इतने बुरी तरीके से ऑल आउट हुई भारतीय टीम कि बाकी पूरे दिन पर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता रहा। ऑस्ट्रेलिया ने आप देखेंगे 197 रन लगाए, उन्होंने पहले दिन के 2 सेशन और दूसरे दिन का पहला सेशन खेला, अंत में उनके 197 रन, अगर कोई और टेस्ट मैच होता तो ज़्यादा बड़े रन नहीं होते, लेकिन इस टेस्ट मैच को मद्देनजर रखते हुए ये रन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लीड 88 रन की हो चुकी थी, बढ़त 88 रन की थी, और 88 रन के बढ़त को ऑस्ट्रेलिया ने बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने जब गेंदबाजी करने की शुरुआत की, 88 रन के लीड के अंदर अंदर भारत के 4 दिग्गज आउट कर दिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा और गिल चारों को वापस पवेलियन भेज दिया, और लीड उतारने में ही जब भारत के मेन बल्लेबाज आउट हुए, बाकी बल्लेबाज जो बचे थे उन्होंने मिलकर भारतीय स्कोर को दूसरी पारी में 163 रनों तक पहुंचाया। उसमें पुजारा का बड़ा योगदान था, 59 रन की पारी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाकू पारी थी, मुश्किल कंडीशंस में 140 गेंदों तक टिके रहे, 59 रन जोड़े, और अंत में जो लीड थी भारत की वो मात्र 75 रन की थी। 75 रन की लीड कोई ज़्यादा बड़ी लीड नहीं होने वाली थी इस तीसरे दिन पर आते हुए, जितना समय इस टेस्ट मैच में बाकी था।
लेकिन भारतीय टीम उस लीड के साथ लड़ने के लिए वापस आई इस तीसरे दिन के सुबह। और इस तीसरे दिन पर भारत ने आते ही दूसरी गेंद पर इस नए पारी में अश्विन के द्वारा विकेट निकालते हुए उस्मान ख्वाजा को वापस लौटाया पवेलियन की तरफ। आप देखेंगे शून्य पर आज उस्मान ख्वाजा इस दिन के दूसरे गेंद पर आउट हुए, और जब वो आउट हुए तो लगा शायद यहाँ पर मौका बन सकता है, लेकिन फिर उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद ट्रैविस हेड ने और लबुशेन ने मजबूत इरादा दिखाया और एक तरफा अंदाज में अपनी 78 रन की पार्टनरशिप के साथ अपनी टीम को मुकाबला जिताकर श्रृंखला में वापसी करवाते हुए 2-1 से ये श्रृंखला अब ये आगे बढ़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए मुकाबले में अब भारत की अलग अलग कमजोरियां सामने आ चुकी हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की भी कमजोरी थोड़ी बहुत सामने आई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं किया, खास करके पहले पारी में स्पिनर गेंदबाजों पर भरोसा दिखाना जरूरी भी था, लेकिन अगर बीच में तेज गेंदबाजी लगाई जाती तो शायद मौका बन सकता था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने का गलती भी बहुत बड़े तरीके से भारत ने कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्रकार से नागपुर और दिल्ली टेस्ट मैच हारा, वहाँ पर देखा जाए तो भारतीय टीम ने वापस आते हुए पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं एक तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के इरादे के साथ मजबूत प्रदर्शन करना था, लेकिन देखा जाए तो भारतीय टीम ने उस प्रकार का मजबूत प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय टीम ने काफ़ी हल्के में लेते हुए ना बल्लेबाजी सही तरीके से की ना गेंदबाजी। आप देखेंगे जो उम्मीद थी हमें कि अगर भारत इतने जल्दी 109 रनों पर निपट गया, लगातार शायद भारत के गेंदबाज भी स्पिन गेंदबाज भी वही कहर ढाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को भी पूरी तरीके से परेशान करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस पिच पर और भी बेहतर बैटिंग कर दिखाई। उस्मान ख्वाजा आप देखेंगे 147 गेंदों में 60 रन की पारी लगाते नजर आया, इस मैच के हाई स्कोरर हैं, और ये कहीं ना कहीं बता देता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मुकाबलों में हुई हार के बाद काफ़ी सोच विचार किया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के इरादे के साथ तैयारियां की हैं। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में, डेविड वार्नर की गैरमौजूदगी में मुकाबला जीतकर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया है। 4 में से 3 मैच अब खेल लिए गए हैं, 2-1 से भारतीय टीम आगे चल रही है, और कुछ इस प्रकार से फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल नजर आता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 का स्थान अभी भी अपने लिए बनाई हुई है। और भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन ये मैच अगर भारतीय टीम जीतती तो नंबर 1 के स्थान पर चली जा सकती थी। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे हैं 68% के साथ, और 60% के विनिंग परसेंटेज के साथ भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर